Hello everyone, welcome back to my channel Fly with Sazzy. I hope you all are doing great. So those who are new to my channel, don't forget to like, share and subscribe to my channel as much as you can. I am Sazia, working as a cabin crew in domestic airline. So and also I am from Kolkata, क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे मैं कहाँ से हूँ. So I am from Kolkata and मेरी जो बेस है वो भी कोलकाता ही है. एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे अकासा एयर कैबिन क्रू इंटरव्यू एक्सपीरियंस इन कोलकाता. कोलकाता में हाल में ही 3 दिन इंटरव्यू हुई थी, तो इससे रिलेटेड हम बात करेंगे, क्योंकि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स इंटरव्यू देने के लिए गई थी. उन्होंने मेरे साथ एक्सपीरियंस, अपना खुद का एक्सपीरियंस उन लोगों ने मेरे साथ शेयर किया है कि इंटरव्यू के राउंड्स कैसे थे, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे. इस वीडियो में एवरीथिंग आई विल बी शेयरिंग. मेरे चैनल में आपको एविएशन से रिलेटेड सारी अपडेट्स मिल जाएगी. सो इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट अकासा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, बिकॉज सम ऑफ माय फ्रेंड्स वेंट फॉर अकासा इंटरव्यू. तो मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग मुझे अपना अकासा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर कर दो, ताकि मैं अपने यूट्यूबर्स के साथ शेयर कर पाऊँ कि अकासा के इंटरव्यू में राउंड्स कितने हो रहे थे, किस टाइप के राउंड्स थे. तो उन्होंने मुझे सारी चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे से बता दिया है. तो इन वीडियो में हम बात करेंगे उस टॉपिक पर. लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बता दिया था कि अकासा के इंटरव्यू में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना चाहिए हमें, कौन कौन से राउंड होते हैं और कौन कौन से लोकेशन पे थे. मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बना दी थी. अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो गो एंड वॉच इट आउट, और हाँ लाइक भी कर देना प्लीज़ गाइस. सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अकासा एयरलाइन में कैबिन क्रू की इंटरव्यू कैसी हुई थी, कितने राउंड्स होते हैं. फर्स्ट राउंड जो है उनका डॉक्यूमेंटेशन राउंड होता है, एंड सेकेंड राउंड उनका GD होता है, थर्ड राउंड BMI होता है, एंड फोर्थ राउंड जो होता है वो उनका PI राउंड या HR राउंड आप बोल सकते हो. लेकिन कभी कभी क्या होता है, उनका PI राउंड भी होता है और उसके बाद एक HR राउंड भी हो जाता है. तो टोटल 5 राउंड होते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड है वो तो बहुत ही बेसिक और नॉर्मल राउंड है, जिसमें हमें कुछ भी नहीं करना होता है. वी जस्ट हैव टू सबमिट आर डॉक्यूमेंट्स. लाइक डॉक्यूमेंट्स से भी रिलेटेड मैंने वीडियो बना के रखी है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अकासा एयर कैबिन क्रू इंटरव्यू में लेके जाने चाहिए. तो अगर नहीं देखिए तो गो एंड वॉच इट आउट, और एल्स मैं लिंक्स सबकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप लोगों के लिए ईजी होगा वीडियो को वॉच करने में. आई सजेस्ट कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाओ, प्लस ओरिजिनल भी लेकर के जा सकते हो, और जेरोक्स तो लेकर के जाना ही जाना है, बिकॉज दैट इज़ मैंडेटरी. जेरोक्स उन्हें हमें सबमिट करना पड़ता है फर्स्ट राउंड अकासा के लिए, तो वो मैंडेट है. और विदाउट इन्विटेशन दे विल नॉट एंटरटेन यू, बिकॉज वहाँ पे उनके पास एक लिस्ट होता है. वो लिस्ट पे वो लोग पूरे अच्छे से चेक करते हैं कि आपका नाम है या नहीं. अगर आपका नाम होगा देन ओनली दे विल अलाउ यू. वेटिंग हॉल में वो लोग आपको भेजेंगे, अदरवाइज़ वो लोग आपको वहीं से घर देंगे. क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स थी, मैंने उनसे पूछा था कि ये लोग कि कोई भी वॉकिंग पे चले रहते हैं क्या, लाइक विदाउट इन्विटेशन, क्योंकि पता चल जाता है हमें कि कहाँ पे किस टाइम पे इंटरव्यू होने वाली है. तो मैंने उससे पूछा कि मुझे ये बता दे कि हम लोग जा सकते हैं विदाउट इन्विटेशन. तो उसने बोला नहीं, विदाउट इन्विटेशन हम लोग नहीं जा सकते हैं, इन्विटेशन इज़ मैंडेटरी. तो ये एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि विदाउट इन्विटेशन हम नहीं जा पाएंगे. इट मीन्स कि वहाँ पे क्राउड कम होगा, चांसेस होंगे ज़्यादा सिलेक्शन होने के, लेकिन इतने भी इजी नहीं है. अकासा के इंटरव्यू लाइक बहुत इजी लगता है, बट वो इजी है नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम GD राउंड में ही वो लोग बहुत ज़्यादा झाड़ देते हैं. तो आई सजेस्ट यू, अगर आप अकासा के लिए प्रिपेयर हो रहे हो तो प्लीज़ अपने वो कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत अच्छा करके जाओ, बहुत कॉन्फिडेंट के साथ जाओ, और हाँ प्रिपेयर होकर के जाना GD के लिए, क्योंकि GD राउंड्स वहाँ पे होते ही होते हैं. तो अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है वो है आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, रेज्यूमे में फ़ोटो होना बहुत ज़रूरी है. अगर फ़ोटो नहीं है तो आप अपने पास फ़ोटो रख लेके जाना, ठीक है. और नेक्स्ट है इनविटेशन का प्रिंट आउट, वो तो मैंडेटरी है, एंड वैक्सीन का सर्टिफिकेट. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको दोनों डोज लेना ज़रूरी है. अगर आपने एक भी लिया है इट्स फाइन, आप एक का ही उन्हें दिखाओ, उन्हें बोलो कि सेकेंड डोज मेरा इतनी डेट पे है, मैं ले लूँगी, तो दे विल कंसिडर यू. ये हो गया. एंड टॉकिंग अबाउट दी GD राउंड जो है, मेरे जितने भी फ्रेंड्स गए थे, अनफॉर्चुनेटली वो लोग GD
रिजेक्ट हो गए, वो लोग जीडी क्लियर ही नहीं कर पाए। बट मैंने उनसे पूछा कि वहाँ पे कितने सारे राउंड्स हो रहे हैं, क्या क्या राउंड्स एंड ऑल हो रहे हैं। तो बेसिकली कोलकाता में 3 राउंड्स हो रहे थे, फर्स्ट जीडी हो रहा था, सेकेंड बीएमआई एंड थर्ड पीआई, दैट्स ऑल। एंड फर्स्ट राउंड जो था वो डॉक्यूमेंटेशन, वो राउंड को मैं जस्ट एवे नॉर्मल राउंड ले रही हूँ, मैं काउंट नहीं कर रही हूँ। तो जो जीडी राउंड था, जीडी राउंड में टोटल 10 लोग जा रहे थे ऑल टुगेदर, और वहाँ पे उनका जो टॉपिक था बहुत नॉर्मल टॉपिक था, ठीक है, बहुत नॉर्मल टॉपिक था, जैसे कि लाइक सोशल मीडिया से रिलेटेड वो लोग पूछ रहे थे, ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग पूछ रहे थे, डिजिटल पेमेंट पूछ रहे थे, लाइक गूगल पे फोन पे जो हम यूज़ करते हैं, हाउ इट इज़ दैट। ये था, पहले आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दोगे और फिर आप बोलोगे आई वॉन्ट टू गिव माई इंटरव्यू इन आकाशा एयरलाइन, ऐसा करके उसके बाद आप टॉपिक पे आओगे और आप अपनी टॉपिक के बारे में बताओगे। तो मैं ये बोलूँगी आकाशा में ये देखा जाता है कि आप कितना बोल रहे हो, आप कितने अच्छे से वो टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हो, वो टॉपिक के बारे में आपको कितनी नॉलेज है, ये चीज़ वो लोग बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। ये नहीं है कि आप अगर थोड़ा सा बोल दोगे, जैसे कि आई एम गिविंग जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर कि इंडिगो में क्या होता है, इंडिगो में अगर आपको मान लो कोई एक छोटा सा टॉपिक दे दिया गया अबाउट सोशल मीडिया, आप बोल रहे हो, आपने जस्ट अगर 2 से 3 लाइन भी बोल दिया विद फुल कॉन्फिडेंस और स्माइल, तो आपको वो लोग ले लेते हैं। बट आकाशा में ऐसा नहीं है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा, इनफैक्ट स्टेप बाय स्टेप। सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया से हमें क्या सीखने को मिलता है, सोशल मीडिया में हम क्या क्या करते हैं, सोशल मीडिया के एडवांटेजेस बोल सकते हो उन्हें, लाइक आप जितना बात कर सकते हो बोलो, बात करो, उन्हें बताओ कि आप ये जानते हो, ये इतनी सारी नॉलेज है आपके पास। तो आकाशा में मेनली वो लोग हमारी कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से चेक करते हैं, और स्पेशली अगर हम जीडी अटेंड कर रहे हैं तो जीडी बोला ही क्यों जाता है, लाइक जीडी इज़ ग्रुप डिस्कशन, इट मीन्स कि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो कौन कितना बोल रहा है, कौन कितने अच्छे से बोल रहा है, दैट्स मैटर अ लॉट। सो रिमेंबर दिस थिंग। एंड हम मेरे फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस जो उन्होंने मेरे साथ एक्सप्लेन करा था, तो जीडी का तक हो गया कि लाइक उसके बाद के कौन से राउंड थे, तो उन्होंने बोला उसके बाद बीएमआई था, बीएमआई में लाइक योर हाइट वेट चेक होता है, और तो हाइट वेट में वो लोग जस्ट नॉर्मली हाइट चेक करेंगे, वेट चेक करेंगे, वो उनके रिक्वायरमेंट से मैच करता है या नहीं, दैट्स मैटर। क्योंकि जो इंडिगो का यूनिफॉर्म है वो हाफ स्लीव्स होती है, तो उसमें वो प्रॉपर वो लोग इसलिए चेक करते हैं कि कोई विजिबल स्कार्स है या नहीं, टैटू है या नहीं, तो वो देखते हैं। बट आकाशा की यूनिफॉर्म जो है वो उनका पैंट शर्ट है, तो वो अच्छे से हमारा लाइक कवर रहता है, तो वो लोग इतने अच्छे से चेक नहीं करते हैं फिजिकली। तो ये हुआ बात। अगर आपका सेकंड राउंड क्लियर हो जाता है तो उसके बाद वो लोग आपको थोड़ा देर लाइक वेट करवाते हैं, उसके बाद थर्ड राउंड होता है, जो थर्ड राउंड होता है डेट इज़ पीआई। थर्ड राउंड में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था रिलेटेड टू योर सीवी, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस, एंड ऑल्सो व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आकाशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लोग बहुत पूछ रहे थे। और आपके रिज्यूमे में आपने जो भी लिखा है बस उससे रिलेटेड ही वो लोग पूछेंगे, अगर आप कुछ एक्सपीरियंस मेंशन कर रहे हो तो दे विल आस्क अबाउट दैट एक्सपीरियंस के, अगर आप अपनी कुछ स्किल्स मेंशन कर रहे हो, कुछ अवार्ड्स मेंशन कर रहे हो, सो दे विल आस्क उससे रिलेटेड वो लोग पूछेंगे। अगर आपने कुछ हॉबीज़ लिखी है, कुछ इंटरेस्टिंग सी हॉबीज़, तो उसके बारे में वो लोग पूछेंगे। तो जस्ट नॉर्मली जो पीआई राउंड होता है वो बहुत ही जस्ट वो बेसिकली वो एक चिटचैट राउंड रखते हैं, और जिसमें वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एक्सपीरियंस उनका मैंने अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है कि कितने सारे राउंड्स होते हैं और क्या क्या राउंड्स होते हैं, और हाँ उन्होंने मुझे ये भी नहीं बताया कि कितने का सिलेक्शन हुआ था या नहीं हुआ था, बिकॉज उन्हें भी खुद नहीं पता है, क्योंकि उनका जो टाइम स्लॉट था वो बहुत ही लाइक अराउंड 11:30 बजे का मेरा फ्रेंड का टाइम स्लॉट था, और वो काफ़ी टाइम तक रुकी, वेट की कि कैसे कैसे राउंड हो रहे हैं, थोड़ा सा उसे आइडिया मिल जाए, तो वो रुकी। बट एंड ऑफ द डे लाइक अराउंड 4:30 या 5:30 बज गया था, स्टिल लोग आ रहे थे, क्योंकि सब कोई अपने टाइम स्लॉट्स के अकॉर्डिंगली आते हैं, उन्हें इनविटेशन पे एक टाइम मिल जाता है कि आप 8 बजे आ जाओ, आप 8:30 बजे आ जाओ, आप 9 बजे आओ, 12 बजे आओ, 1 बजे, 2 बजे, ऐसे करके सबके टाइम स्लॉट्स मिलते हैं, तो ये होता है। सो ये था
अकासा कैबिन क्रू इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो कि मेरे फ्रेंड्स ने मेरे साथ शेयर किया था। मेरे पास जितनी नॉलेज थी, मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन मिली थी, मैंने इस वीडियो में शेयर करने की पूरी कोशिश की है। अगर कुछ भी पूछना होगा और अगर कुछ भी जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इनफैक्ट मेरी इंस्टा पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम ग्रेटफुल टू हेल्प यू ईच एंड एवरी वन। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।